एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इसका मैंने जो रिव्यू दिया था, आज मैं अपनी मनी प्लांट को जो है ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ, तो सोचा कि मैं आपको इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने सारे इसके जो इस पर लगा दिया है जो टेप है, और अब बस मैं अपनी मनी प्लांट को जो है इसमें ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है, और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सबको एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिए। इस तरह के कंटेंट और ब्लॉग मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने ये एक तरफ से निकाल दिया है, अब उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ले चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा है, क्योंकि इस तरह से कर देने से ना काफ़ी अच्छा हो जाता है और एक जगह सारे टिके रहते हैं। तो ये रहा मेरा मनी प्लांट, इसी को मुझे ऑर्गेनाइज करना है। देखिए इसके लच्छे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। कुछ यहाँ हैं, तो इसी को बस मैं ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगाई थी। तो चलिए दिखाती हूँ करके। और ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं, और देखिए, और ये दीवार पे ही सिर्फ चिपकेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको पेस्ट करके और ये मैंने लगा दिया। तो मैंने जैसा मैंने कहा कि दीवार पे ही सिर्फ चिपकेंगे, जैसे आप टाइल वगैरह पे भी चाहें इसको चिपकाना तो वो नहीं चिपकेगा, क्योंकि टाइल चिकना होता है और चिकनी चीज़ों पे ये जो है काम ज़्यादा समय तक ये काम नहीं करेगा। तो क्योंकि मैं टाइल पे लगा रही थी तो नहीं हो रहा था, तो सोचा कि क्योंकि जब मैं इसका फुल रिव्यू और पूरा वीडियो दे रही हूँ तो बताना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से करके आप अपने मनी प्लांट को जहाँ चाहें वहाँ इस तरह से फिक्स करके और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बस, और बहुत इजी तरीके से हो जाता है। ख़ास बात और ये है कि ये रेड और ये वाइट और ग्रीन में आता है, तो मैंने वाइट मंगाया क्योंकि मेरी दीवारें ज़्यादातर वाइट हैं, इस तरह से कि वाइट रहेंगी तो ये दिखेंगी नहीं। और अगर आपकी दीवार ग्रीन पे आप करना चाह रहे हो या कुछ और भी दीवार, मतलब तो दो तरह के आते हैं, तो ग्रीन भी आप इसको मंगा सकते हो और इस तरह से आसानी से कर सकते हो। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये जो मेरे मनी प्लांट है मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए उस तरह से, तो बस वहाँ से ऐसे लटके थे, फिर इधर ऐसे लटके थे, तो इस तरह से कर देने से काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन हो गया और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। तो अभी एक और चीज़ मैं दिखाऊँगी इसको मैं क्या एक और ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो कोई भी चीज़ जो है इस तरह के, अभी ये देखिए लच्छे, ये बड़े अभी छोटे हैं तो अभी तो नहीं इसको मैं करूँगी, अभी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो इसको यहाँ पे इस साइड से मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी, ताकि ये फिर इस दीवार की तरफ जाएगा। और ये बहुत ही पुराना मेरा जो है मनी प्लांट है, और इस तरह से करके, और यहाँ पे ये देखिए ये बड़े हो गए थे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने इसके सहारे से ऐसे करके यहाँ से इसको निकाल दिया था। तो लुक एट दिस, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये मेरा एक्सपीरियंस और कैसे मैंने इसको किया।
और इस सारी जड़ों को, अगर इस तरह से जड़ें काफ़ी जड़ें हैं तो इस तरह से इसको इसमें आप लपेट सकते हैं, इस तरह से वो हो जाते हैं ऐसे कर देने से एक दूसरे में ये सही हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने देखी सारी यहाँ है, तो वन बाई वन पत्ते करके दिख रहे हैं, जो जड़ है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम करें तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से ये हो जाता है और काफ़ी बेनिफिट होता है। अगर हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है तो माइंड फ्रेश रहता है और कोई भी चीज़ जो है अच्छे से वो दिखता है। तो चलिए फिर मैं आपको एक और ऑर्गेनाइज, इसी का जो क्लिप मैंने मंगाया है इसका एक और मैं दिखाती हूँ कि वो मैंने क्या किया है। इस तरह की जो वायर होती है तो इसको हम उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए ये ऐसे है, तो अभी मैं इसको करके दिखाती हूँ। पहले इसको मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ। ये हो गया यहाँ, और सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल के फिर जो है इसका ये क्लिप है मैं बंद कर दूंगी। तो देखिए इसको इसमें मैंने डाल दिया है। अब ये उंगली की सहायता से इसको ये देखिए, मतलब एक जगह ये फिट हो जाते हैं। तो ये नीचे का है, ये नीचे वाला पार्ट भी इसमें ऐसे फिक्स करके और इस तरह से ये ऐसे कर दिया। तो आशा करती हूँ कि ये दोनों जो आइडिया है मेरा आप लोग को पसंद आया होगा और इस तरह से आप भी अपने घर को और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ किसी नए टॉपिक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और हाँ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।